अभी हम लोग जा रहे हैं पुरी से कोणार्क टेम्पल, उसके बाद जाएंगे भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। तो हमारे साथ है विकास भाई और इधर हमारे भाभी लोग बैठे हुए हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, सब लोग खाए बोलिए। इधर आगे बैठे हमारे शुभम भाई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोणार्क का चंद्रभागा के पास। अभी चंद्रभागा जाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग कोणार्क मंदिर जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और बहुत सारे इधर आइटम्स लगे हुए हैं। ये है चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा फेमस है, मॉर्निंग में जब आओगे तो यहाँ बस सूर्य ऐसे लगता है कि जैसे कि समुद्र से निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। चंद्रभागा बोला जाता है। फाइनली हम कोणार्क मंदिर पहुँचने वाले हैं। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है कोणार्क मंदिर। और अभी का समय हो गया है 9:45। तो चलिए चलते हैं, टिकट लेना है। और यहाँ बस यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर कोणार्क मंदिर स्थित। आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट लोग, बाहर बाहर से, फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। एक हिस्टोरिकल प्लेस के साथ साथ क्या है, पर्यटन स्थल भी है। तो दोस्तों यहाँ से हमको इंटर करना है। ये है मेन गेट इसका। यहाँ से जो टिकट का टोकन लिए हैं उसको यहाँ पर डालना है। जैसे यहाँ पर टिकट का टोकन डालेंगे उसके बाद ये गेट एक खुल जाएगा। तो गैस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। आप देख सकते हैं इनकी कलाकृति, पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सुंदर। और इसका निर्माण नरसिंह देव ने बनाया था 13वीं शताब्दी में, जो कि लगभग 1000 वर्ष पुराना है ये मंदिर। और कोणार्क, कोणार्क मतलब जो होता है सूर्य से तात्पर्य है। इसमें जो होता है जैसे ही सूर्य किरण जो होता है पड़ती है, इसको चारों दिखाएं, जैसे यहाँ पर बीच भाग में पड़ती है चारों दिशाओं में चमकने लग जाती है। कोणार्क मंदिर की ऊंचाई लगभग 200 से 300 फीट ऊंची है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ पर घोड़े का भी यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है, पत्थरों के से काट कर बनाए गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कितने सारे लोग, सैलानियाँ, टूरिस्ट लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। चलो आपको सभी साइड से इसको घूम दिखाता हूँ। इसके जो पत्थर है वो ग्रेनाइट पत्थर से काट कर बनाए गए हैं। और इसमें चारों साइड इसमें 12 चक्र बना हुआ है, जो कि 12 वर्ष में जो मास होती हैं उसको दर्शाया गया है। आप जानते हैं कि एक साल में 12 मास होते हैं, और 12 मास इसमें हर एक चक्र का नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारे प्रकार के मूर्तियां बना हुआ हैं, कामुक मूर्तियां का भी इसमें निर्माण किया गया है, बहुत प्रकार के आप देख सकते हैं। नहीं समझे, चारों तरफ पूरा कलाकृति से बनाया गया है डिफरेंट टाइप से, और आप देख सकते हैं। कोणार्क का संस्कृत नाम सूर्य के कोनों से है। आपको पता ही होगा कि 10 रुपये के नोट में इस कोणार्क के सूर्य मंदिर का चक्र का प्रतीक चिन्ह रहता है। तो हमारे ऐतिहासिक पुरातत्व को सजाव रखने के लिए इसे 10 रुपये का नोट में बनाया गया है। पीछे गाड़ा हम देख सकते हैं। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से।
हो गया, देख लिए, घूम लिए।